जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मलकू टीवी, मैं हूं मलक अज़र हुसैन। तो ये तकीर भाई है, इनकी जाल का सेटअप और इनके जो चैम्पियन कबूतर थे उनका शौक मैंने करवाया आपको इससे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में इनके जो पास तकीर भाई उधर ही बैठे रहे, मैं आता हूँ उधर। तो ये इनके जो इस वीडियो में मैं आपको इनके जो ओवरऑल प्रवासी कबूतर उनका शौक करवाता हूँ, आप लोग देखें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। असलान भाई सऊदी अरेबिया से, आप भाई कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। मलक शकील, शाहिद भाई, मलक सलीम मियाँ वाली से, उमर हुसैन, मोइज बकरा मंडी से। तो इस वीडियो में मैं आपको इनके जो ओवरऑल प्रवासी कबूतर हैं उनका शौक करवाता हूँ, तो कुछ पकड़ के भी दिखाऊंगा। एक एक कबूतर का शौक करवाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको राजा तुकीर सरवस रोड सक्काबाद रावलपिंडी में इनका जाल का सेटअप है, आपको इनके जो प्रवासी कबूतर है वो कैसे लगे। जी तुकीर भाई, ये कुछ ये मादी है हमारी जी, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सीजन में जून में उड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जून में उड़ाएंगे इसको। जी, नेक्स्ट भी। ठीक है, इसकी आप आँख का शौक करवाएं पहले। ठीक हो गया, पर चेक करवा। जी सही, दूसरा पर चेक करवाएं। फिर भी अभी आपने उड़ाने हैं प्यारे? नहीं, फिलहाल हम टूर्नामेंट से उड़ाइए। ठीक है, सही। ये नेक्स्ट अगले सीजन के लिए, जून के लिए, नेक्स्ट के लिए आप इसको तैयार करेंगे। ठीक हो गया जी। ये काफ़ी ज़्यादा इनके हैं, मैं आपको अंदर से भी ये थोड़े से आपको शौक करवा के बाकी मैं आपको ओवरऑल ये प्रवासी कबूतरों के आप फॉर्मेशन दिखाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा कबूतर हैं क्योंकि एक एक करके दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ कबूतर इनके पास अच्छे तो सारे ही हैं माशाल्लाह, इनके कबूतर मैं देख रहा हूँ आपको, मैं अभी दिखाता हूँ तो बाकी ये आपको मैं दूसरी तरह जी। अप्रैल के टूर्नामेंट्स में हमें बच्चा कैसे नाम ली नाम है जी 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 जीता है, ये 1:45 पर बैठी थी। ठीक हो गया, ये इसका आँख का शौक करवाएं। माशाल्लाह जी, तकीर भाई के पास कबूतर सारे अच्छे हैं, ये देखें। ठीक है, तकीर भाई पर का शौक करवाएं। ठीक है, ठीक हो गया, दूसरे पर साइड चेक करवाएं तकीर भाई। ये बहुत कभी हाथ पकड़े नहीं है जी, कुछ कबूतरों की आदत नहीं होती ना, अगर उनको पकड़ो ना तो फिर नहीं। ठीक हो गया, पंजे ठीक हो गया, सही है। ठीक है, तो फिर भी और दिखाएं, ये वाइट कौन सा पीछे, वो मोतियों वाला, वो पीछे, वो उसको लेके आए, ये चेक करें जी। ये भी सफेद कबूतरी है, मोती है वाली। ठीक है, अभी इसकी ये तैयार हो रही है जी, इसको भी आपने जून में अगले साल के लिए करना है? नहीं, ये जो भी तैयार हो रहे हैं ये इनको हमने प्यारों के लिए तैयार किया अभी है, प्यारों के लिए तैयार किया अक्टूबर के उड़ेंगे, अक्टूबर में। ठीक हो गया, अभी तो ये पर पड़ी लगी है। इसकी आँख का शो करें माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी माती, चेक करें। तकीर भाई को मैंने कहा कि इसको पकड़ के लाए आप देखें। इसकी एक और बहन भी है, वो भी इसमें कर दी, वो भी ले गया है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहो तो मैं आपको जब ये अक्टूबर में उड़ाएंगे तो मैं आपकी इनकी छत पे आपके आपको इनकी जो रिज़ल्ट होगा इंजन का वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये आप देख लें इसकी आँख ठहरे तकीर भाई। ठीक है, पर चेक करवाएं, नहीं वो आप तैयार हो रही है। ठीक है, पंजे चेक करवा दें। ठीक है, दूसरी इसकी बहन लेके आए बस, बाकी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एक एक करके तो ख़त्म ही नहीं होंगे। फिर इंशाल्लाह फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा तकीर भाई से रब्ता करूँगा, मैं अक्टूबर में इनकी छत पे आऊँगा, तकीर भाई उड़ाएंगे तो मैं इनकी जो पिजन्स की जो टाइमिंग है वो मैं आके आपको इनकी छत का रिजल्ट दिखाऊँगा। ये मोतियाँ वाली है जी, उसी की बहन है ये जी। ठीक हो गया, देखते हैं। ठीक है, पंजे चेक करवा दे, पार्टी तैयार हो रही है अभी। ठीक है, ये फ्रेंड तो अभी ये देख लें, अभी एक एक करके दिखाने में काफ़ी टाइम हो गया, बाकी मैं आपको ओवरऑल इस तरह थोड़ा सा एक ये तीन लॉक्स है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप शो कर लें क्योंकि एक एक करके दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये तकीर भाई के प्रवासी कबूतर हैं सारे, इनका शो करें
और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको इनके जाल का सेटअप और इनके चैम्पियन कबूतर और जो इनके परवाजी कबूतर हैं ये आपको कैसे लगे। देख लें और इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में भी इनकी छत पे आऊँगा तो आपको इनके रिज़ल्ट मैं आप ज़रूर दिखाऊँगा। ये है दूसरी तरफ बोलें तकीर भाई बैठे रहें तो आप बैठे रहो इधर ही कोई बात बारी बंद है मतलब वो ना खोले ना बारी ठीक से चले। ये देख लें फ्रेंड्स तो पीर भाई के ये प्रवादी कबूतर एक एक करके दिखाने में तो देर लग जाएगी इसलिए मैं आपको ये बाकी जो रह गए हैं वो आपको मैं इस तरह शो करवा रहा हूँ। ये देखें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको इनके कबूतर कैसे लगे और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर रावलपिंडी में इस्लामाबाद में और भी जो जगह है छतों का मैं आपको शो करवाऊँगा सब छतों पर जाके देख लें। माशाल्लाह जी ये इनके परवाजी कबूतर का सेटअप है पूरा आप देख लें। ये हाँ जी ये पट है ऊपर ये वाला ये नीचे भी है ये दोनों बाकी ये जोड़े वाले हैं ये भी चेक कर लें ये ऊपर है ये और बाकी ये इनके ये सेटअप है माशाल्लाह कबूतर अच्छे हैं इनके पास राजा तकीर साहब के पास। नहीं नहीं जी फ्रेंड्स तो ये इनके मैं प्रवादी कबूतर का शो करवाऊंगा इससे अगली वीडियो में मैं नीचे जाके इनके जो ब्रीडर्स कबूतर इनका शो करवाना है। जी फ्रेंड्स तो ये भी तकीर भाई ने अभी ये दूसरे कबूतर भी रखे हुए हैं बच्चों पालने जी तकीर भाई ये आपको बताते हैं बच्चे पालने के लिए रखे हुए हैं ठीक है टोली वाले भी हैं ये वाले जी जी ये देख लें इन्होंने बच्चे पालने के लिए रखे हैं जब क्योंकि आपको पता ही है कि सारे कबूतर बाहर इसी तरह करते हैं सही पालते हैं ये आप लोग भी इस तरह कर रखें अपने वो दूसरे कबूतर उनके अंडे उठा के इनके नीचे रखें बच्चे हों तो जी का सीजन था जी जी अपने जोड़े जो ब्रीडर वो तो लादा कर देते हैं ठीक है लेकिन हमने अपने जो छः कबूतर ब्रीडर हैं उनसे तो उन्होंने बच्चे बुलवाए हैं जी जी तो इन्होंने ही पाले हैं सबके बच्चे ये मैं आपको इनका भी शो करवा देता हूँ ये देख लें ये सारे इधर इस तरह बच्चे पालने के लिए उन्होंने रखे हैं ये देख लें माशाल्लाह आप भी इस तरह सेटअप बना लें अंडे उनसे निकलवाएं अच्छे जोड़े से और इनके नीचे रख दें जल्दी पालेंगे अच्छे पाल लेंगे।